हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीषाज़ किचन। आज हम बनाएंगे सत्तू पराठा विद बैगन भरता। इसके लिए हमें चाहिए एक बॉल में, हम स्पून, आप देख रहे हो कि किस साइज़ का स्पून है, हम फोर एंड हाफ स्पून सत्तू लेंगे इसका पराठे का मिक्सचर बनाने के लिए। अब हम इसमें चॉप्ड ऑनियन एंड गार्लिक आप डाल सकते हो, हरी मिर्च डाल सकते हो एंड अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, बिल्कुल छोटा छोटा काट के, महीन काट के। फिर आप सॉल्ट डालिए अपने स्वाद अनुसार एंड थोड़ा सा इसमें मैं आमचूर पाउडर डालती हूँ फॉर बेटर टेस्ट। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो बट थोड़ा सा अच्छा लगता है आमचूर का टेस्ट, आप खाओगे तो पता चलेगा। फिर इसमें मैं ऑयल डालूंगी ताकि ये बाइंड हो जाए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं अच्छा लगता है इसमें, तो थोड़ा सा ऑयल एंड थोड़ा पानी हम मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, मिक्स करके देख लेंगे पहले। ये अभी भी बहुत ही पाउडरी है जो हमें वैसे नहीं चाहिए, तो हम थोड़ा सा पानी और ऑयल डाल के इसका मिक्सचर बना लेंगे जैसा कि आप देख रहे हो। फिर आपको ये पता चलेगा अगर ये बाइंड हो रहा है तो ये अच्छा हो गया है, आप ऐसे करके इसको बाइंड करके देखो तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा मिक्सचर अब रेडी है। अब बैगन भरते के लिए हमें बैगन ले लेना है। बैगन में आप 3-4 जगह से चीरा लगा के देख लो कि कहीं कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है, और अच्छे से चेक कर लो। इसमें कोई कीड़े नहीं हैं, ये प्लीज़ आप पहले ही चेक कर लीजिएगा। इसके बाद मैं कुछ लहसुन की कलियाँ इसमें फिक्स करूँगी ताकि बैगन साथ भुनने के साथ साथ लहसुन भी भुन जाए थोड़ा। मैं भुना हुआ बैगन का भरता बना रही हूँ बट इसको मैं फ्राई करूँगी बाद में, ऐसे आप लहसुन अंदर फिक्स कर दीजिए, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा ऑयल लेके इस पर रब करिए तो ये बहुत अच्छे से भुनेगा, जैसा कि आप देख सकते हो मैं गैस पर ही भुनती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा ये स्मोकी फ्लेवर इसका अच्छा लगता है। ऐसे ही आप भुनिए पलट के जब एक साइड हो जाए, और गैस को मीडियम से तेज़ आंच पे रख सकते हैं। अब मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है ठंडा करने के लिए। आप देख सकते हो टमाटर अच्छे से हुआ नहीं है बट एनीवे हमें फ्राई करना है तो कोई इशू नहीं है, ये टमाटर बहुत ही टाइट था जो गैस पर इतना हो नहीं पाता है। अब हम फ्राई करने का इसका आपको दिखाते हैं कैसे फ्राई करेंगे। ऑयल लीजिए पैन में, थोड़ा सा जीरा डालेंगे जब ऑयल गर्म हो जाए, और फिर हम अपने चॉप्ड अनियन एंड लहसुन एंड मिर्च डालेंगे। बैगन भरते में लहसुन ज़रूर होना चाहिए, बिना उसके आपको टेस्ट नहीं आएगा बैगन का। आप चाहो तो विदाउट लहसुन बना सकते हो अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हो तो, बट इससे एक बेटर टेस्ट आता है। हल्का सा सॉटे कर लेंगे, ज़्यादा नहीं क्योंकि प्याज का क्रंची फ्लेवर अच्छा लगता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी जो कि टेस्ट को बेटर करेगा। पहले आप भरते का मिक्सचर डाल दीजिए। ये मैंने जो बैगन और टमाटर को भुना था उसको मसल लिया है हाथ से या जैसे भी आप चाहो। अब थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाला मैंने, इस गरम मसाले में हल्दी मिली हुई है इसलिए मैं हल्दी अलग से नहीं ऐड कर रही हूँ। अब इसके बाद मैं सॉल्ट ऐड करूँगी, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर लीजिए अच्छे से, थोड़ी देर इसको मीडियम फ्लेम पे रखेंगे ताकि ये अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए मसाला और नमक। मैश कर लीजिए, आप मैशर के हेल्प से भी कर सकते हो अगर कुछ लहसुन या ये रह गया है तो। इसको ढक के थोड़ी देर पकाएंगे, आप देख सकते हो गया है हमारा भरता लगभग, बस थोड़ा सा भुन रही हूँ मैं। भरता तैयार हो गया है हमारा, अब हम इसका पराठा बना के दिखाएंगे आपको। सत्तू का जो मिक्सचर हमने बनाया था उसका पराठा कैसे बनाएंगे। आप ऐसे लोई बना के इसमें बीच में होल करके आप देख रहे हो जैसे मैंने किया है,
थोड़ा सा मसाला डालेंगे मिक्सचर इसका, एंड बहुत ज़्यादा भी नहीं भरेंगे कि पराठा फट जाए, बट आपको खुद ही बनाते वक्त अंदाज़ मिल जाएगा, और मिक्सचर को अच्छे से दबा देंगे ताकि ये अच्छे से चारों तरफ बैठ जाए। देखिए इस तरह से हाथ से दबा देंगे तो हर तरफ मसाला इसका चला जाएगा। अब हम इसको हल्के हाथ से बेलेंगे, बहुत रफली नहीं बेलेंगे और ना ही बहुत रेगुलर गोलाई करेंगे, एक बार करके जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करेंगे तो आपके पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। हर तरह से इवनली बेल के आप कर लीजिएगा। मीडियम फ्लेम पे पराठे को तैयार चढ़ा दिया है। मैं इसमें बहुत ही कम ऑयल लगाऊंगी, एज मेरे हस्बैंड थोड़ा डाइट पे हैं, बट आप चाहो तो और ऑयल लगा सकते हो। अच्छे से सेक लेंगे इसको, कुरकुरा दोनों तरफ पक भी जाए और थोड़ा कुरकुरा टेस्ट है तो और भी अच्छा लगेगा। ये देखिए पराठा हमारा सेक गया है एक तरफ से। देख सकते हो पराठा हमारा तैयार है, अच्छी तरह से तैयार हो गया। अब हम इसको सर्व करेंगे भरते के साथ। ये है हमारा सत्तू पराठा विद बैगन भरता।